में हम देखेंगे कि स्विगी में अगर आपका इंसेंटिव नहीं आता है फ्रेंड्स, आपका इंसेंटिव अगर नहीं आता है पिछले दिन का, तो आप किस तरह से उसके लिए अपील कर सकते हो, किस तरह से टिकट राइज कर सकते हो। फ्रेंड्स, वैसे तो 12:30 तक इंसेंटिव अपलोड कर दिया जाता है फ्रेंड्स, पर इस तरह इतना वेट करने के बाद में भी अगर आपका इंसेंटिव नहीं आता फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ पर जाना है फ्रेंड्स। यहाँ पर जाने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पर देखना है इंसेंटिव आया है या नहीं। जो मेरा इंसेंटिव नहीं आया है फ्रेंड्स, इसलिए देखिए फ्राइडे 6 मई का मेरा इंसेंटिव नहीं आया है, इसलिए मैं टिकट राइज करने जा रहा हूँ। तो आपको हेल्प में जाना है फ्रेंड्स, हेल्प में जाने के बाद आपको बताऊंगा अगली प्रोसेस। पहले आपको एक काम करना है फ्रेंड्स, इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर जाने के बाद इंसेंटिव पर क्लिक करना है, यहाँ का एक स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है इस तरह से। तो आपने स्क्रीनशॉट लेने के बाद फ्रेंड्स, आप हेल्प सेक्शन में जाओगे, हेल्प में आने के बाद इंसेंटिव एंड पे आउट इशू पे जाना है। इसके ऊपर जाने के बाद फ्रेंड्स देखिए, इंसेंटिव इशू, मिनिमम गारंटी इशू, इनकरेक्ट पे आउट टू बैंक, पेनल्टी और डिडक्शन इशू, पेट्रोल इंसेंटिव इशू, रेफरल बोनस इशू, ज्वाइनिंग बोनस इशू। तो फ्रेंड्स आपको इंसेंटिव पर क्लिक कर लेना है और डेली इंसेंटिव इशू पर आपको क्लिक करना है फ्रेंड्स। तो इसके ऊपर जाने के बाद दिस वीक पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको देखिए यस्टरडे 6 मई यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था वो आपको यहाँ पर लगाना होगा। सबसे पहले आपको फ्रेंड्स यहाँ पर डिस्क्राइब द इंसेंटिव टाइप यहाँ पर डालना है, तो हमें डालना होगा डेली इंसेंटिव। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डाल दिया हमने। तो डिस्क्राइब द इशू, तो फ्रेंड्स 6 मई यहाँ पर हमें डालना होगा, 6 मई। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो 6 मई इंसेंटिव यहाँ पर हमें डालना होगा, इंसेंटिव। तो फ्रेंड्स ये आ गया। इसके बाद आपको यहाँ पर अटैच पर क्लिक करना है। अटैच पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो आपने स्क्रीनशॉट निकाला है वह फाइल आपको यहाँ पर होगी, वहाँ पर से आपको उसे क्लिक कर लेना है। मेरे इसमें यहाँ पर है, इसलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो यह आ चुकी है फ्रेंड्स, मेरी फाइल अटैच हो चुकी है। यहाँ पर रिपोर्ट इशू पर क्लिक करना होगा, और जैसे ही आप रिपोर्ट इशू पर क्लिक कर सकते हो, तो उसके बाद फ्रेंड्स आप इस तरह का देखोगे, आपने जो इमेज अपलोड की है वो यहाँ पर आ जाएंगी। इसके आने के बाद फ्रेंड्स देखिए, इसमें इंसेंटिव आई शेक, ये यहाँ पर जो मेरा नाम है। अब यहाँ से आपको कोई डिलीवर पार्टनर सपोर्ट कॉल करेगा या कंपनी से आपको कॉल आएगा। उसके बाद आपका इशू जो है पूरा समरी देखने के बाद आपका इशू रिसोल्व किया जाएगा। अगर आपका टाइम वगैरह वगैरह जो भी इंसेंटिव के लिए लगता है फ्रेंड्स, वैसे तो एक ऑर्डर आप रिजेक्ट कर सकते हो डेली की, पर आपको जो टाइमिंग होता है, टाइमिंग पूरा भरवाना होता है। अगर आपका टाइमिंग भी पूरा भरा हुआ है और आपका रिजेक्ट एक से ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स, या ऑर्डर में कोई आपने कुछ किया नहीं है, तो आपका इंसेंटिव अपलोड कर दिया जाएगा। यह कभी कभी नहीं होता है, इसलिए यह ऑटोमेटिक कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप देख सकते हो आकाश कश्यप हैज़ बीन असाइंड, ये आकाश कश्यप को कश्यप ने जो है मुझे असाइंड किया गया है कंपनी की ओर से। मैं नहीं लिखता हूँ कॉल मी प्लीज़, यहाँ पे कॉल मी और प्लीज़। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स अब इनका कॉल आएगा, मुझे इन्हें पूरा इशू समझा देना होगा, और पूरा इशू समझाने के बाद कंपनी देखेंगी, अगर मैं सही होगा तो मुझे इंसेंटिव मिल जाएगा, अगर गलत होगा तो शायद ना मिल पाए। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इशू राइज कर सकते हो इंसेंटिव प्राप्त करने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। आप इस चैनल पर बने रहिए, लाइक कर दीजिए और शेयर बिल्कुल कीजिए अपने स्विगी डिलीवरी फ्रेंड से। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।